हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवेलुएशन आईएएस यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिफॉर्म्स वाली सीरीज में आज का लेक्चर हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर है। वी विल कवर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया, पहले प्रिजन रिफॉर्म को कवर किया, देन पुलिस रिफॉर्म्स, और आज का लेक्चर जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर है। इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में हमेशा होता है। सो ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। जो भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो यूपीएससी मेंस में जुडिशियल रिफॉर्म के टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो से आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमने लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस को पिक किया है, हमने जो द हिंदू के आर्टिकल्स हैं, और एक कंप्लीट कंपाइलेशन तैयार किया है सो दैट इट कैन हेल्प यू। फाइन, आज के मेन्यू में क्या है गाइस, देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप एंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। देन अबाउट द टॉपिक, आज की थीम जो जुडिशियरी है उसके ऊपर करेंगे बात। देन सम स्टैट्स एंड फिगर्स, और जो नीड है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनेगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स की क्या नीड हो सकती है और जो स्टेप्स लिए गए हैं, एंड देन अल्टीमेटली लास्ट में कंक्लूजन विद स्ट्रक्चर, एक आंसर का स्ट्रक्चर, ताकि इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आए हाउ यू विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट अबव एवरेज आंसर। फाइन, सो यस लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन गाइज मैंने पिक किया है इनसाइट्स के सिक्योर इनिशिएटिव से, सो द क्रेडिट गोज टू इनसाइट्स फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड्स सेवरल रिफॉर्म्स, इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है उसको बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। वाई एंड हाउ, उसको एग्जामिन करना है। आई थिंक यू आर वेल अवेयर कि ये जो कीवर्ड्स हैं एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, सो एक वीडियो लेक्चर अगर आप चाहो तो प्लीज यू कैन डू द कमेंट, मैं एक वीडियो बना सकता हूं इन कीवर्ड्स पे कि अगर ये कीवर्ड्स हो क्वेश्चन में तो आप इसके ऊपर आंसर कैसे करोगे। फाइन, सो यस हैव अ लुक। तो आप इस वीडियो के लिए इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में, तो इस वीडियो के थ्रू आप इस सारे सेगमेंट को आप कवर कर पाओगे। सो यस लेट्स बिगिन, हैव अ लुक। जुडिशियरी की क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, हम इसे कहते हैं कि ये गवर्नमेंट सिस्टम का या मशीनरी का ये बैकबोन है। व्हाई एंड हाउ, बिकॉज ये जो रूल ऑफ लॉ है अंडर आर्टिकल 14, फाइन, उसको बचाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ये जुडिशियरी के ऊपर है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। और इंडिया की जुडिशियरी कैसी है गाइस, इट इज इंटीग्रेटेड। फाइन, अनलाइक मल्टीपल डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, इंडिया की जो जुडिशियरी है इट इज इंटीग्रेटेड। फाइन, इट सेफगार्ड्स द राइट्स, अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट्स। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है तो जुडिशियरी के पास वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, ताकि वो जो लॉ है दैट मस्ट नॉट बी द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 13। फाइन, सो आपने इन इश्यूज को लक्ष्मीकांत में या फिर जो भी आपका सोर्स रहा पॉलिटी को आपने पढ़ा होगा, बट जब बात आती है मेंस में क्वेश्चंस को, आंसर्स को फ्रेम करने की, सो वहां पे आप इश्यूज को फेस करते हो। हैव अ लुक, देन इट हेल्प्स सेटल डिस्प्यूट्स। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि देर आर मल्टीपल इशूज, एग्जाम्पल ले लो, रिसेंटली क्या था कि कावेरी वाटर का डिस्प्यूट चल रहा था। फाइन, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लास्ट जजमेंट दिया था, और यहाँ फिर सिस्टम है ट्रिब्यूनल्स का। फाइन, तो ये सारे इश्यूज हम और डिफरेंट मल्टीपल लेक्चर्स में लेके आएंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है डेडिकेटेड है जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर। लेक्चर लंबी ना हो जाए गाइस, ताकि हम इसको बस एज ए इंफॉर्मेशन ही रखेंगे, डिस्कस हम यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वुड बी अ डिफरेंट टॉपिक। अब देखेंगे ऑरिजिन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स की। अब देखो, इस टॉपिक को डिस्कस करने की बात करेंगे कि क्या नीड है, लेकिन उसके पहले जो जुडिशियल रिफॉर्म है इसकी ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन है रूट्स है गाइस ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। देखो, यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनके टाइम पे जो चेंजेस आए थे 1787, ठीक है, जब वे गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1793। देखो 1793 वो टाइम है जब परमानेंट सेटलमेंट आता है, और उसी टाइम पे जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी, बिकॉज इनके टाइम पे बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। एनीवे, सो अब देखो, इनका कोई भी मोटिव नहीं था कि इंडिया के सिटीजन्स का वेलफेयर किया जाए। पहले जुडिशियरी क्या थी, पहले जो भी सिस्टम था, मे बी पुलिस सिस्टम हो, जुडिशियल सिस्टम हो, दैट वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, नॉट फॉर द वेलफेयर बट द मॉडर्न नीड्स एंड वॉन्ट्स। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज है गाइस, मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके नीड्स एंड वॉन्ट्स डिफरेंट हैं, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वे ब्रिटिश यूज टू हैंडल दिस। वाई, बिकॉज आज के टाइम पे क्या है, डेमोक्रेसी है, आज के टाइम पे वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, ना कि तभी बोलते हैं ना कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आएंगे हम, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे। वाई, बिकॉज हमारा जो बेसिक आर्किटेक्चर है इन चीज़ों का, दैट इज कनेक्टेड टू द ब्रिटिश। फाइन, सो यस एनीवे, ये बैकग्राउंड की बात थी। अब आते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था। देखो, अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी पढ़ी होगी गाइस, यू आर वेल अवेयर कि पहले नेहरू का जो रुतबा था बहुत बड़ा था। फाइन, सो जुडिशियरी भी सोचती थी कि अगर कोई लॉ अगर नेहरू ने पास किया है, सो दैट इज मतलब वी मस्ट नॉट बी क्रिटिकल टू दैट, बट
ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी टेन्योर, इंदिरा गांधी की पॉलिसीज थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी और जुडिशरी भी थोड़ा अपने स्टेप्स को थोड़ा स्ट्रॉन्गर तरीके से ले रही थी उस टाइम पे, मतलब टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे जुडिशरी यूज टू टेक स्टेप्स ड्यूरिंग नेहरू। फाइन, उसके बाद देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत स्लगिश थे जब नेहरू इंडिया के पीएम थे। आफ्टर दैट इंदिरा गांधी के टाइम एंड ऑनवर्ड्स जुडिशियरी ने अपने स्टेप्स लिए। और देखो जुडिशियली रिफॉर्म्स, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स थे उसमें उसके जो मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए थे। उसके पहले जुडिशियल रिफॉर्म एज ए कॉन्सेप्ट देखेंगे है क्या। बेसिकली ए सेट ऑफ चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स हैं जिनका क्या एम होना चाहिए, स्पीडी जस्टिस। और बाकी जो इश्यूज हैं जुडिशरी के अंदर, मतलब कुछ इश्यूज हैं एक्सटर्नल और देर आर सम इश्यूज दैट आर प्लेगिंग जुडिशरी फ्रॉम इट्सेल्फ, विद इन इट्सेल्फ, ठीक है, वो है जुडिशियल रिफॉर्म। एनीवे, तो अब देखो जुडिशियल रिफॉर्म क्यों जरूरी है गाइस। एज ए कॉम्पोनेंट तो हमने देख लिया कि ठीक है इसके क्या कॉम्पोनेंट होने चाहिए, कि स्पीडी जस्टिस है और क्या। तो इसकी नीड्स एंड वांट्स गाइस इसलिए हैं कि देखो सबसे पहले कि जो जस्टिस है, कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो एक तो इशू यहाँ पे है। देन जुडिशियल ओवररीच, इंडिया में क्या सिस्टम है, SOP स्टैंड्स फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर का सेपरेशन है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का। तो कभी कभी क्या, जुडिशरी अपने दायरे को अपने एम्बिट से बाहर चली जाती है और उसके बाद जजमेंट देती है, उसको क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, मतलब जुडिशरी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एग्जीक्यूटिव, दैट मस्ट नॉट बी द केस। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, देखो हम इन सारे इश्यूज को डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर क्विकली अगर आंसर फ्रेम करना हो, आपके पास टाइम ना हो, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, यू विल गेट सम अराउंड एवरेज मार्क्स। फाइन, देन देयर आर सम इश्यूज विद इन जुडिशियल सिस्टम, वो इश्यूज क्या हैं, अपॉइंटमेंट में क्या दिक्कतें हैं, हम उन सबको करेंगे मेंशन। फाइन, सो ये देखो ये, लेकिन जो सारे इशूज जुडिशरी फेस कर रही है वो सारे इशूज इन्हीं चारों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फाइन, सो नाउ हैव अ लुक, क्या नीड है जुडिशियल रिफॉर्म की। सबसे पहले जो हमने बात करी कि देर इज डिलेड जस्टिस, क्यों, गौर करो यहाँ पे कि जो अब यहाँ पे डेटा को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड देर आर 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। देखो लोअर केट्स, लोअर कोर्ट्स में जब केसेस पेंडिंग होंगे तो क्या होगा, लिटिगेशंस और भी आएंगे पीछे से, और वो केसेस आगे जाएंगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर जरूर सुप्रीम कोर्ट में। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इंडिया में क्या है कि केसेस अगर यहाँ पे हैं, अगर यहाँ से पास भी हो गए तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो कोई पार्टी ए है और बी है, ठीक है, ये केस अगर जीत जा रहे हैं तो हार रहे हैं, ये क्या करेंगे, उसको फर्दर लिटिगेट करेंगे आगे की तरफ। फाइन, सो यस, देन इंडिया का जो परफॉर्मेंस है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्योंकि अब देखो सिर्फ केसेस ऐसे नहीं होते ना कि डॉरी केसेस हैं या फिर क्या कहते हैं कि अगर लैंड वाले केसेस हैं कि चलो जो भूमि विवाद होता है उसके लिए जो केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, उसके अलावा भी केसेस होते हैं। जैसे मान लो कि कोई कंपनी ए है और उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनने कंपनी पे केस किया है, तो इस टाइप के केसेस हैं। तो इकॉनमी जैसे जैसे इवॉल्व कर रही है इस टाइप के लिटिगेशंस केसेस और बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जुडिशरी है एज इट इज़ वैसी ही है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल फॉर कि देयर मस्ट बी जुडिशियल रिफॉर्म, सो दैट कि जो केसेस हैं वो बहुत स्पीड से एक्सपेडिएट हो जाएं। फाइन, देन व्हाट, जो जुडिशियल प्रोसेस है गाइस वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लाइक ब्रिटिश टाइम। ब्रिटिश टाइम में क्या था कि लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी कि जो नॉर्मल सिटीजनरी है इंडिया की उसे समझ में ना आती थी। तो एक दूसरा कॉस्टली, तो यहाँ पे एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी सारे इश्यूज हैं जो कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को एक बहुत ही मुश्किल बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली एंड इनएक्सेसिबल, अब इन तीनों पॉइंट्स पे आप कुछ लिख सकते हो। इनएक्सेसिबल क्यों है, यू नो इट, कॉस्टली बिकॉज देखो कहते हैं ना कि इंडियन जुडिशरी इज व्हाट, इट्स ए पैराडाइज फॉर रिच लेकिन नॉट सो फॉर पुअर। सेम केस को लड़ना है, अगर एक आपने सुना होगा कि बेल ग्रांट, जो बेल का प्रोविजन है, इस बेल बिना इसके आपको क्या, एक बेल मनी आपको इशू करनी पड़ती है, उसके बाद आपको बेल मिलती है अगर कोई क्राइम में आप हो अगर, ठीक है। सो ये मनी बहुत सारे लोग इसको पे नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई दे आर लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। तो ये सारे इशूज हैं, इसी के ऊपर हमें जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। देन वॉट अगली गाइस, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, यस, और लैक कम ही किन चीज़ों की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो क्या, इनफैक्ट जो बेंचेस हैं, आप कभी गौर करना,
एक्सेप्ट मेट्रोज, अगर जो मेट्रो से बिलोंग करते हो मुंबई से दिल्ली से, उसके अलावा जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ की कोर्ट्स में आप जाना, बिल्कुल जो बोलते हैं उसे खस्ता हाल कंडीशन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बेंचेस हैं, कोर्ट रूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइल्स हैं, कहीं कहीं तो बिल्कुल डिजिटलाइजेशन बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो है। देन अंडर स्टाफ्ड, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में जाके आप पता करोगे, आप ऑनलाइन भी आप बहुत सारे रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हो जहाँ पे CJI की अपॉइंटमेंट भी बहुत टाइम से नहीं हुई है। देन फाइनेंसिंग इश्यूज, फाइनेंस की भी दिक्कत है, फाइन। देन जो अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर है, दैट इज़ डैम स्लो एंड स्लगिश। सो इसीलिए बात आती है ना कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होनी चाहिए, NGSC होनी चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कर दिया कि भाई इसको क्वेश्चन कर दिया था साल 2016 में। देन इश्यू ऑफ जुडिशियल ओवररीच, दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि जुडिशियरी इज बिहेविंग लाइक एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे पॉइंट्स है गाइस जो कि कॉल्स फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। नाउ व्हाट, अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्ट्रस हैं। देखो पता है कि भाई केस तो है, चलता रहेगा 15 साल 20 साल। बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल है वो विदाउट जजमेंट वो खुला घूम रहा है, एंड अल्टीमेटली ही डाइज ऑफ हिज नेचुरल डेथ, 60, 70, 80 होकर उसकी डेथ होती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप देखिए। जो कहते हैं ना कि जुडिशरी इज वॉट इट्स रिचेस्ट पैराडाइज, हैव लुक हिज इन फेमस हीरो ऑफ बॉलीवुड सलमान खान, इन फेमस चिंकारा शूट आउट केस, एक और केस है भाई साहब दैट इज हिट एंड रन बट ही इज आउट ऑन बेल, ही इज संजय दत्त, इन फेमस केस 1982 मुंबई ब्लास्ट। इस केस में संजय दत्त ने एलिगेशंस थे कि ही हैड AK-47 विद हिम, हेल्पिंग और सपोर्टिंग सम ऑफ हिज माफिया फ्रेंड्स, बट ही इज आउट। ही इज शहाबुद्दीन, ही डाइड रिसेंटली, एंड ही इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री लालू प्रसाद यादव। इनके एलिगेशंस थे कि इनके लिंक्स इनके साथ में, एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल, ही वॉज इन तिहाड़ जेल, ही डाइड ऑफ कोरोना रिसेंटली। तो ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जुडिशियल इनइफेक्टिवनेस, स्लो एंड स्लगिश जुडिशरी के आउटकम्स ये सारे हैं। देन स्पॉट इन क्राइम्स, आप देखोगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की डेटा के थ्रू अगर आप जाओ, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा पर आप जाओ, द ब्रुटलिटी अगेंस्ट वुमेन, रेप, मर्डर, दीज ऑल अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आर ऑन राइज। सेकेंड, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, प्रिविलेज्ड एलीट मैनेजेस टू शील्ड देमसेल्फ, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम की के जो लूप होल्स हैं। अब एग्जाम्पल लो, हमने हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज का नाम सुना होगा स्कैम 1992। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम के लूप होल्स को यूज करता हुआ एक नॉर्मल सा इंसान इतना बड़ा स्कैम करता है, नेम्ड हर्षद मेहता, फाइन। इन द सेम वे दीज ऑल इलीट पर्सन्स दे आर यूजिंग लूप होल्स विद इन जुडिशरी टू शील्ड देमसेल्फ। अगर एक कॉमन मैन क्राइम करता है और एक सेलिब्रिटी क्राइम करता है, इट इज प्रूवन स्टफ दैट सेलिब्रिटी हैज सम लग्जरी, फाइन, अनलाइक दैट कॉमन मैन। सो ये यहाँ पे इक्वल फुटिंग्स पे चीज़ें होनी चाहिए। देन कम्स, अब इससे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस जो है सिटीजन्स का, हम कहते हैं कि भाई वो रईस है, दे आर वेल प्रिविलेज्ड, दैट्स वाई दे आर आउट ऑन बेल, और मे बी आउट ड्यू टू सम अदर रीजन्स, ड्यू टू सम नेक्सस विद सम पॉलिटिकल पार्टीज, फाइन। हाँ ऑफकोर्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टू शील्ड क्रिमिनल्स, ये सारे इशूज़ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे जब अगला टॉपिक मैंशन हम करेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, चीज पेपर टू और इथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइन, जिसे हम करेंगे डिस्कस। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस, फाइन। सो अब नेक्स्ट बारी आती है इनकी। अब देखो, अब बात करेंगे क्या होना चाहिए, सॉल्यूशंस आपसे पूछेगी, बिकॉज आपको मार्क्स तभी मिलेंगे गाइस जब आप अच्छे सजेशंस दोगे, फाइन। सो यस, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट रूम्स का, ठीक है, फाइल रिकॉर्ड्स, डिजिटलाइजेशन का, वो सारे इंप्रूव करने होंगे। देखो ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे भी लिख लोगे, लेकिन आपको मार्क्स दिलाएंगे ये सारे पॉइंट्स इस टाइप के कि वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कमीशन, क्यों, ताकि जो कंप्लेंट्स दर्ज किए जाते हैं जो जजेस के कंडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उनके ऊपर एक प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर रैशनल स्क्रूटनी होनी चाहिए टू कीप देम इन चेक, फाइन, परफॉर्मेंस कमीशन। देन जुडिशरी को हमें और ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना होगा, वाई, जस्ट टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजर है जुडिशरी का और जो लैंग्वेज है, दैट मस्ट बी सिंपल, ल्यूसिड, ताकि कॉमन मैन भी समझ जाए कि ठीक है अगर ये जजमेंट है
तो क्या है, अगर कोई केस फाइल हुआ है तो उसकी मतलब नो वन, जो जिसको बेसिक एजुकेशन भी है वो समझ ले कि भाई जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है कैसे काम कर रही है, ठीक है, एक्सपर्ट्स की जरूरत ना पड़े। देन यूज ऑफ आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना पड़ेगा, अगर डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं एआई की टेक्नोलॉजी को, अगर पुलिस वाले यूज कर सकते हैं तो वाई कांट जुडिशरी, जुडिशरी भी कर सकती है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो जुडिशरी को खुद से भी इंप्लीमेंट करने होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ में कॉपरेट करना होगा। देन कम्स गाइस नेक्स्ट, अल्टीमेटली देखो जनरल पॉइंट्स आप लिख लोगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन होंगे, जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया उसकी रिकमेंडेशन को अभी हम करेंगे डिस्कस, बट बिफोर दैट जो लिटिगेशन है, क्योंकि इंडिया में बहुत लिटिगेशन आते हैं, साइन किए जाते हैं कि भाई फाइल कर दी गई, बहुत ईजी होता है। एक तो इफिशियंट लिटिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि जो फ्री वॉलर्स हैं ना, जिनका इंटेंशन है कि मलाफाइड, जिनका जेन्युइन इंटेंशन नहीं है, चलो एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टी है ए और दूसरी बी, अब इनका है कि भाई हम अगर इनकी ज़मीन पे केस कर दें तो दे वॉन्ट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देयर लैंड इनटू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लिटिगेशन चलता रहे, इन्हें पर इन्हें भी पता है कि 10 साल 15 साल तक चलता रहेगा, ये यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंटेंशन यहाँ पे क्या है, मैलाफाइड है, जेन्युइन नहीं है, इंटेंशन इज ओनली टू हैरास, डिले एंड एम्बरेस द ऑपोजिशन, फाइन। उसको कॉम्बेट करने के लिए क्या चाहिए, एक इफिशियंट लिटिगेशन पॉलिसी चाहिए, इस पॉइंट को जरूर मेंशन करना है। और दूसरा जो हमने बात करी कि जो पेंडिंग केसेस है उनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ठीक है गाइस, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये जो एडीआर मैकेनिज्म्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, लोक अदालत हैं, उनके नंबर्स हमें बढ़ाने होंगे। और पर केस हमें देखो केस बाय केस बेसिस पे देखना होगा कि इस केस की मेरिट पे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, चलो भाई इन केसेस को आप यहाँ के थ्रू एक्सपीडिएट करा दो ताकि स्पीडी जस्टिस हो। अल्टीमेटली इकॉनमी को भी बेनिफिट मिलेगा, क्यों, अगर केसेस रिजॉल्व होंगे तो बाहर की कोई कंपनी है उनके कोई केसेस पड़े हैं 10 साल से, वट दे विल डू, दे विल लीव एवरीथिंग असाइड और फ्यूचर में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेंगे, फाइन। अगर इंडिया को अगर मेक इन इंडिया के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनाना है सो वी विल हैव टू इंप्लीमेंट दिस ऑल थिंग्स। देन कम्स कमर्शियल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सेम कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एड हॉक जजेस की, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा इसको, एड हॉक जजेस क्यों आते हैं, बिकॉज ये वो जजेस हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उनको हम दोबारा से वेलकम कर सकते हैं ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको हम रिजॉल्व करा पाएँ, ठीक है। तो ये तो थे कुछ जनरल से जो रिकमेंडेशन थे जिन्हें आप आंसर में कंक्लूड कर सकते हो। बट हेयर कम्स कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, इसकी डिमांड बहुत टाइम से उठ रही है। कि जैसे यूपीएससी के थ्रू क्या है गाइस, यूपीएससी के थ्रू सेंट्रल सर्विसेज जो लिस्ट ग्रुप ए ग्रुप बी की आती हैं उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस, उनके थ्रू क्या करते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स को डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं या फिर मल्टीपल फोरम्स में, ताकि जो आर्किटेक्चर जो सिस्टम है कि पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन अगर लेजिस्लेचर कर रही है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई चाहिए तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इन द सेम वे देर मस्ट बी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी क्या है, जो अपॉइंटमेंट हो रही है, जो सिलेक्शन हो रहा है वो स्टेट बेसिस पे है, देर मस्ट बी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, यहाँ पे कॉपरेशन चाहिए जुडिशियरी और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब इसके ऊपर गाइस, अब देखो अब लॉ कमीशन के हम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को देखेंगे। आप अगर इस टॉपिक पे आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो यू मस्ट मैंशन द कमीशन, जो रिकमेंडेशन हैं मैंशन बाई लॉ कमीशन, ठीक है। देर मस्ट बी इक्वल रोल ऑफ जुडिशियरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में दोनों का इक्वल रोल होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, फाइन। इस सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है उसके लाइन में ही आएगा, ये किसी को वायलेट नहीं करेगा। देन जजेस मस्ट डिलीवर जजमेंट इन ए रीजनेबल टाइम ताकि जो पेंडेंसी है वो बढ़े ना, ठीक है। जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड इन टाइम, अदरवाइज देर इज नो जस्टिस डिलीवर्ड, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट गाइस कि जो पोस्ट है चीफ जस्टिस की, इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल स्टेट टू स्टेट, गॉट इट। ये रिकमेंडेशन हैं, ये तीनों को 1, 2, 3 यू मस्ट मैंशन, यू प्लीज टेक ए नोट ऑफ दैट। अब देखो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिन्हें हमने बताया था कि आप कैसे मैंशन करोगे, इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड सेवरल रिफॉर्म्स, फाइन। इसको एग्जामिन करना है तो आप इसके प्रोस एंड कॉन्स लिख सकते हो। सबसे पहले इंट्रो तो बेसिकली आप स्टार्ट करोगे कि भाई जुडिशियल रिफॉर्म एज ए कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन का डेफिनेशन आप मैंशन कर देना या मैक्स टू मैक्स दो लाइन। देन कम्स की
यहाँ पे नीट पे आ रहा है। देखो क्वेश्चन रिफॉर्म सीरीज की वीडियो में मैंने सिर्फ यही कहा है कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो नीट के ऊपर आएगा, आपको सॉल्यूशंस देना होगा, फाइन। तो बॉडी में क्या होगा इस क्वेश्चन के, जो बॉडी पार्ट में आप क्या बोलोगे कि भाई कि क्या क्या इश्यूज हैं, आप उसको मेंशन करोगे ही, ठीक है। जो इश्यूज फेसिंग फेस्ड बाई जुडिशरी या फिर इश्यूज प्लेगिंग जुडिशरी, आप फिर या फिर डायरेक्टली नीट पे भी आ सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स आप देना, लॉ कमीशन की ऑब्जर्वेशंस हैं उसको मेंशन करना, जो मल्टीपल बॉडीज हैं उनको मेंशन करना। देन कंक्लूड कैसे करोगे, यहाँ पे आप अपने सजेशंस दोगे, यहाँ पे आप जो एनजीएससी के अपॉइंटमेंट पे कुछ आप कमेंट कर सकते हो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पे आपको पॉइंट देना ही देना है। तो ये आंसर का आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और हम मेन सीरीज की हर वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराएं, ताकि आपकी आंसर राइटिंग बिल्कुल क्लोज टू परफेक्ट हो जाए, फाइन। यू डोंट नीड टू परफेक्ट बिकॉज टाइम बहुत कम होगा, आपको 20 के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे एंड यू विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके। सो गाइस नेक्स्ट इज, अभी देखो ये सीरीज है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन है आपको वहाँ सारे लिंक्स मिल जाएंगे। रिफॉर्म सीरीज है, जनरल स्टडीज पेपर टू, सोशल इश्यूज, और भी हम सीरीज बहुत सारे लेके आ रहे हैं गाइस, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। गाइस हमारे चैनल की स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इवेल्यूएशन आईएएस पर मिल जाएगी, सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।